एक्वागार्ड मैक्सिमा यूवी, इसमें पानी का प्रेशर कम आ रहा है, जो फिल्टर वाटर है वो। अब देखो ये स्टार्ट किए, उसके बाद ये पहले से फ्लो में आता है, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे पानी आ रहा है। इसका आज सर्विस करेंगे, फिल्टर क्लीनिंग करेंगे इसका। देखो एकदम धीमे से पानी आ रहा है, इसके लिए पहले अभी इसको पावर ऑफ करते हैं इसका। और इसका जो नीचे का स्टैंड रहता है लास्ट लगाने के लिए, उसको रिमूव करते हैं। अब ये फिल्टर ऑलमोन से रिमूव करके नीचे रखते हैं। अब ये फिल्टर ऊपर का जो ढक्कन है निकालते हैं अभी स्लाइड करके। देख सकते हैं इसका जो सर्किट है ऊपर के साइड में रहता है, बाकी इलेक्ट्रिकल पार्ट कुछ अंदर नहीं रहता, इसलिए इधर पानी ना लगे इसका ध्यान रखें। ये दो स्क्रू खोलना पड़ेगा। अभी इधर है जो है ग्लास का ट्रे, उसके पीछे एक स्क्रू रहता है, वो एक निकाल देते हैं। देख सकते हैं इसके कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं रहते, खाली ये तीन फिल्टर रहते हैं, एक यूवी फिल्टर, सेमी ब्लॉक रहता है और सेडिमेंटल फिल्टर रहता है। तीन फिल्टर रहते हैं इसमें। पहले हम जो बीच वाला फिल्टर है ये साफ करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा गंदगी रहती नहीं। जो फर्स्ट वाला फिल्टर रहता है इसी में से पानी निकलता है। आप देख सकते हो इसके जो पाइप है, जो रिमूव करने का फिल्टर उधर ही रखना है। इसमें जो एरो रहता है वो देख के वापस वैसा ही फिल्टर इंस्टॉल करने का है, जो पानी का फ्लो है उसी के साथ रहता है। जो फिल्टर का जो इनलेट का पाइप है वो इसके एक साइड में लगा के इसमें से पानी पास करेंगे। पानी कितना गंदा है समझने के लिए मैंने एक पॉट लिया है। अब देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, लेकिन इसमें जो है ऊपर के साइड में स्क्रू ड्राइवर से ठोक के निकालेंगे, कुछ रहेगा तो निकल देगा। इसमें कुछ निकला नहीं है, आप देख सकते हो। अभी ये रिमूव करके लेते हैं यहाँ से, रिमूव करके ये फिल्टर जैसे निकाला था इधर वैसे ही इंस्टॉल करते हैं वापस। एरो एक बार चेक करो, इसके बाद वैसे इंस्टॉल किया है। जो पाइप है उधर ही रखने के कारण इधर इंस्टॉल करने के लिए अच्छा दिखता है। अभी ये सेकंड जो फर्स्ट वाला जो फिल्टर है वो निकलेंगे। नीचे के साइड में जो है आप देख सकते हो दो पाइप कनेक्ट किए होते हैं,
और ऊपर के साइड में इनलेट का एक पाइप रहता है। मैं अभी जो है फ्लो के जैसा है पानी का फ्लो एरो वैसा कनेक्ट किया है। अभी देखते हैं उसमें से अभी कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन जो फिल्टर है वो साफ रहेगा। तो उसके बाद हम इसको उल्टा करके देखेंगे इसमें कितना कचरा है। तो मिट्टी का पानी रहेगा जो अपना फिल्ट्रेशन होता है, जो उधर फिल्टर क्लीन करते हो पानी, जो गंदगी रहती है उधर ही रहती है। अभी देख सकते हो इधर कुछ ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं है। तो इसमें वैसे कि वैसे सब क्लीन वाटर निकला है। अभी ज़्यादा ही उसमें कुछ अपट किया है इसलिए थोड़ा सा ऐसा येलोइश वाटर आया है, थोड़ी सी गंदगी भी निकली है। मेरी गंदगी आई है, मतलब फिल्टर बहुत ही ख़राब हो गया था। एक बार क्लीनिंग करके दूसरी बार उसको चेंज ही करना पड़ता है। एक बार उसको यूज़ करके मैं 1000 लीटर तक पानी निकालूंगा, उसके उसको नया ही डालूंगा। अभी ये उल्टा उसको कनेक्ट करते हैं, जो दो साइड का है, मैं एक साइड और एक साइड में, अभी देखिए इसमें से क्या निकलता है। आप देख सकते हो अभी पानी भी बहुत निकला है, उधर से पानी भी नहीं आ रहा था, और उसमें भी पानी में मिट्टी का है कलर, मतलब वो जो फिल्टर किया हुआ पानी था। अभी वो उल्टा फ्लो करने के कारण उसमें सब पीला पानी आ चुका है। कितना फिल्ट्रेशन रहता है फिल्टर का। अभी दूसरी साइड में जो उंगली पकड़ के जब प्रेशर आ रहा था, बीच में जो फिल्टर में एक नॉब रहता है, वो उधर कनेक्ट करेंगे, उधर निकल के इधर, उसमें अभी फ्लो ज़्यादा है, इससे क्लीनिंग अच्छी होगी। अभी देख सकते हो पानी भी बहुत आ रहा है इधर से। वही क्लीनिंग होने के बाद एक बार वापस उसको जो फ्लो था पानी का इसी तरह कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। ये देखो अभी क्लीन वाटर आ रहा है और पानी का प्रेशर भी अच्छा है, तो जो उसी कारण पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था ज़्यादा, उसकी वजह से वो फ्लो भी कम था अपना आउटलेट में जो पानी आ रहा था क्लीन वाटर में। अभी ये फिल्टर क्लीन हो गया है। अभी एक बार वापस चेक करेंगे उल्टा करके। तो थोड़ी
गंदगी है और अभी भी पानी में, लेकिन अभी फिल्टर का अभी लाइफ ख़त्म हो गया है। अभी एक बार खाली उसका पानी का फ्लो थोड़ा बढ़े और 1000 लीटर तक पानी निकले, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये देख सकते हो इसमें भी थोड़ी गंदगी है ही पहले से, लेकिन कम है पहले से। अभी एक बार ही निकाल के मैं इसको फिल्टर में कनेक्ट कर दूँगा, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम तक निकलते ही रहेंगे। इससे अच्छा है इसको रिप्लेस करें फिल्टर को। देखो पानी का क्वालिटी क्या है, अभी जो निकला है खराबी पानी है अभी भी। ऐसे ही प्रोसेस 6-7 बार करोगे तो अच्छा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, फिल्टर क्लीन हो जाएगा। इससे अच्छा है आप फिल्टर भी चेंज करो। अभी देख सकते हो जो राइट जो इसका जो एरो है उसका फ्लो से पानी निकलना शुरू हो गया, क्लीन वाटर है। इसमें से भी पहले खराब पानी आ रहा था। अब इसको वापस फिल्टर में इंस्टॉल करते हैं। इस तरह निकाला था, नीचे के साइड में दो पाइप है इसके, ऊपर के साइड में एक पाइप है। इसी तरह वापस इंस्टॉल करते हैं इसको। पाइप एक बार प्रेस करने के बाद वो वापस बाहर खींचो, इससे वो लॉक अच्छी तरह से हो जाता है और लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहता। नहीं तो नीचे के साइड में फिल्टर में ही लीकेज होके बाहर पानी आ जाता है। ये फिल्टर ये आफ्टर मार्केट फिल्टर डाले थे मैंने, एक्वागार्ड का जो ओरिजिनल फिल्टर नहीं है। लास्ट टाइम सर्विस मैंने खुद ने किया था, इसलिए आफ्टर मार्केट वाला सर फिल्टर है। ये दो फिल्टर आराम से 30 रुपये में मिल जाते हैं। अभी इसको पूरा जैसा खोला था वैसे 3 स्क्रू है इसके, एक नीचे के साइड ऊपर के साइड में दो। अब इंस्टॉल करके अभी देखो तो जो पानी का फ्लो बराबर आना शुरू हो गया है। अभी क्लीन हो चुका है।